Assalamualaikum viewers, मैं हूं फराज जवेद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल Cooking with Chef Faraz। जैसा कि viewers रमजान के आधे रोजे जा चुके हैं और मैंने आपको एक वीडियो में दो से तीन रेसिपीज ट्रांसफर की ताकि आप अपने दस्तरखान की शान बढ़ा सकें। तो आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं डिनर की तरफ। तो उसमें मेरे पास एक फरमाइश थी उमान संधू की, वो कह रहे थे हमें कुछ स्पाइसी खाना खाना है और मैं उनको लेकर चल रहा हूँ उनकी फरमाइश के मुताबिक चिकन बोनलेस हांडी की तरफ। तो जो कि बनाना बहुत आसान है, उसमें ग्रेवी है, सेट करेंगे हम उसको और इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाएंगे। तो चलते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बोनलेस चिकन हांडी के लिए मुझे चाहिए चिकन 500 ग्राम। तो मैंने ब्रेस्ट का पार्ट ले लिया और उसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको कट कर लीजिएगा। उसके बाद हमें इसमें चाहिए होंगे ग्रेवी सेट करने के लिए टमाटोज। तो मैंने इसमें लिए 4 टमाटर मीडियम साइज के, उसको मैंने स्लाइस कट कर लिया मीडियम में, ठीक है। यहाँ पे 3 से 4 अदद हमारे पास हरी मिर्चें हैं, मीडियम साइज का मेरे पास प्याज है, उसको स्लाइस कट कर लिया है। ऑयल हम ले रहे हैं 1/2 कप। यहाँ पे हमारे पास दही है 1/2 कप। गार्लिक लहसुन फाइन चॉप 1 टेबल स्पून, अदरक फाइन चॉप 1 टीस्पून, सॉल्ट नमक 1/2 टेबल स्पून, मैं 1/2 kg में ले रहा हूँ, आप हसबे ज़रूरत चेक कर लीजिएगा। चिली फ्लेक दड़ा मिर्च 1 टीस्पून। हमारे पास यहाँ पे है जीरा, भुना हुआ जीरा इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसमें, ये हमारे पास है 1 टीस्पून पाउडर में। सफ़ेद मिर्च है हमारे पास 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर हमारे पास 1 टीस्पून। यहाँ पे हमारे पास है हल्दी 1/2 टीस्पून, काली मिर्च मैंने पाउडर में ली है, थोड़ी सी क्रश में भी है, पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून और यहाँ पे टमाटो पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं है तो इट्स नॉट अ बिग डील, आपको टमाटर सेट कर देंगे। और व्यूअर्स लास्ट में हम लगाएंगे इसमें 3 टेबलस्पून अपनी टेट्रा पैक क्रीम। तो इसमें टेट्रा पैक क्रीम जो डब्बे वाली है वो इसमें जाएगी। और गार्निश हम करेंगे इनको 3 चीज़ों से जो हमारे पास है, अदरक, हरी मिर्चें और हमारे पास धनिया। तो हम इनको गार्निश के तौर पर लाएंगे। तो चलते हैं अपनी हांडी की कुकिंग की तरफ। तो हम स्टार्ट लेते हैं, अपना पैन को प्री हीट कर लिया मैंने और इसके अंदर ऐड करेंगे अपना कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल के बाद हम ऐड कर देंगे इसमें अपने प्याज जो हमने स्लाइस कट किए हुए थे, 1 मीडियम साइज़ का लेंगे और इसको थोड़ा सारा फ्राई करेंगे। कलर चेंज नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 1 मिनट के लिए आपको कुक कर लें जी। तो व्यूअर्स अब आप लोग अपनी फरमाइशें मुझे बता सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको फूड कुजीन तो लेकर आऊँगा, हर टाइप की कुजीन सिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो आप अपना फीडबैक दें। तो उमान संधू की फरमाइश के ऊपर आज मैं ये अपना चिकन बोनलेस हांडी ला रहा हूँ, तो आज हम उनको ये सिखा रहे हैं। तो अपनी फरमाइश आप कमेंट्स में हमें दे सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। तो अब हम इसमें जस्ट क्योंकि कलर ऐड होगा, चेंज हो जाएगा, तो हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और हरी मिर्चों को भी 30 सेकेंड तक आप पकाने के बाद ऐड कर देंगे इसमें टमाटोज जी। तो अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ अपने टमाटोज। तो मैंने जो कट किए हुए थे टमाटोज वो कट करके इसमें ऐड कर दिए। हम इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए और फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे दही के साथ अपने ब्लेंडर जग में जी। तो अब 3 से 4 मिनट हो गए, हमारे जो वेजिटेबल्स थी वो ऑयल में सेट हो गई हैं। तो मैं फ्लेम करूँगा बंद यहाँ पर और इन सबको निकाल लूँगा। ये स्टेप आपने ज़रूरी करना है। इसके बाद जो हमारा दही है वो हम इसके अंदर मिक्स करके इसको ग्राइंड कर लेंगे, तो इसके एक पेस्ट बना लेंगे। तो मैं पेस्ट बना लेता हूँ और फिर हम चलते हैं अपने मेन कुकिंग की तरफ। हमारे पास जो रिमेनिंग ऑयल आ चुका था उसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ अपना गार्लिक फाइन चॉप और उसी रिमेनिंग में मैं बना रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लेना। तो सौते करेंगे गार्लिक, और आपको पता है कि गार्लिक फाइन चॉप यूज़ करने के बाद थोड़ा सा मैं पानी लगा के उसको सेट कर लेता हूँ और जितना हमारा फ्लेवर बीच में आ गया। इस स्टेज में ऐड करते हैं जिंजर, फाइन चॉप जिंजर। तो स्मोकी सा फ्लेवर आ रहा है, तो ये आपका थोड़ा रेस्टोरेंट फ्लेवर सेट किया जाता है। तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपना चिकन। तो चिकन मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ और 2 से 3 मिनट के लिए आप चिकन को तेज आंच पे मिक्स करेंगे इसके साथ लहसुन और अदरक के। ओके, तो मेरा चिकन इस टाइम सौते हो चुके अच्छा सा इसके साथ। अब इसके अंदर मैं अपने सारे स्पाइसेस ऐड कर दूंगा। तो स्पाइसेस के लिए मेरे पास सबसे पहले सॉल्ट,
इसमें रेड चिली पाउडर और इसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग हल्दी, जीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स। स्पाइसी आप खाना चाहते हैं, वैसे तो ये स्पाइसी है, अगर आप फ्लेवर सेट करना चाहते हैं तो आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं। इसमें मैं डाल दूँगा अपनी टमाटो पेस्ट 1 टेबल स्पून, इसको मैं मिक्स कर देता हूँ। चिकन ने अपना पानी छोड़ा है, उसके साथ में उसको कुक कर रहा है, और अगर आपका स्पाइस नीचे लग जाता है तो आप थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ। इस स्टेज के बाद मैं अपना पैन चेंज कर लूँगा, जो मेरी ग्रेवी थी जो मैंने आपको पहले स्टेप में बताई थी उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, तो उसको मैं शामिल करूँगा अपने चिकन के अंदर। तो बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है, अब हम चलते हैं अपनी चिकन कर लेते हैं। तो जी मेरे पास चिकन ग्रेवी आ चुकी है, इसको मैं पैन शिफ्ट कर देता हूँ, उसमें फिर ऐड कर देता हूँ। तो अब हम इसमें पैन मैंने इसलिए शिफ्ट किया था कि फ्राई पैन में मुझे स्मोक चाहिए थी गार्लिक की, तो मैं इसको शिफ्ट कर दिया। अब मैं इसमें अपनी प्यूरी जो थी, पेस्ट थी जो आप कहें हमने ग्राइंड की थी, वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैंने दही ऐड करके इसको ग्राइंड कर दिया था। तो जो मेरे पास टमाटर था, हरी मिर्चें थी, ये मैंने प्यूरी ऐड कर दिया जिसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज था जो मैंने सॉटे किया था ऑयल में। तो अब मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस जो थे वो मैं ऐड कर रहा हूँ, जो हमारे पास थी काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, और इसके बाद हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट कुक करेंगे। पहले मैं इसको हाई फ्लेम पे कुक करूँगा और फिर मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट कुक करेंगे, और फिर लास्ट में हम इसमें अपनी क्रीम ऐड करके गरम मसाला डालेंगे और उसका सॉल्ट पेपर चेक कर लेंगे। तो हमारी हांडी इंशाल्लाह तैयारी पे करीब करीब है। इसको मैं लिड बंद कर देता हूँ, तो मैं अब इसको ओपन करता हूँ और देखते हैं हमारी इस टाइम हांडी कहाँ तक है। तो तकरीबन इसके टमाटर के साथ जो ग्रेवी थी वो सेट हो चुकी है, और इस स्टेज में अपना सॉल्ट पेपर आप चेक कर लें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसमें लगा सकते हैं, दड़ा मिर्च को इस्तेमाल कर सकते हैं या हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। तो गार्निश तो मेरे भी है, तो इस स्टेज में मैं इसमें ऐड कर दूँगा क्रीम। तो क्रीम ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगा साथ ही अपना थोड़ा सा गर्म मसाला, और इसको मिक्स कर दूँगा तेज़ आँच पर। आप इसको मिक्स कर लें, और क्रीम के बाद आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। सर्विंग पे हम लेके आ रहे हैं, तो मैं इसको डिश आउट करके दिखाऊंगा। थोड़ी सी मैं अपनी गार्निश डाल दूंगा, और हमारी चिकन बोनलेस हांडी हुई तैयार है। तो मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ धनिया, हरी मिर्चें और अदरक, और मैं अब इसको आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बस हमारी हुई चिकन बोनलेस हांडी तैयार। तो मैंने इसको प्लेट में डिश आउट कर दिया और साथ हांडी में प्रेजेंट किया है। तो ऐसे ही आपकी फरमाइशें भी इंशाल्लाह चलती रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, और आपको जो कुछ सीखना है आप हमें बता सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। अपना और अपने फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कुकिंग विद शेफ फिराज को, एंड क्लिक द बेल आइकन। जल्द मुलाकात होगी एक अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।